तो ये वाला गांव है सामने डंगसोली, और यहाँ की एक स्वयं सेवक है दीप्ति, उनसे आज हम मिलने जाएंगे, उनकी रिपोर्ट देखने जाएंगे। तो चलो साथियों, आज का ब्लॉग होगा डंगसोली गांव का। तो साथियों, आज मेरे साथ हैं हमारे नरेश भाई, और नरेश भाई धरासू के रहने वाले हैं, और धरासू से मैंने इनको उठाया। चलो भाई, डंगसोली गांव में चलते हैं, तो ये रास्ता बताएंगे और नीचे चलेंगे। जो भी होगा गांव में, जैसा भी दिखेगा, वो सब आपको बताता रहूँगा। चलिए, ज़रा गांव के नाम बताओ इधर उधर। ये टंगसोली है, वो कुलाड़ीधार है। कुलाड़ीधार कहाँ पर? वो वाला सामने। अच्छा, ये सामने कुलाड़ीधार। अच्छा, ये टंगसोली है। डंगसोली गजेरा। गजेरा कहाँ? वो सामने ऊपर जहाँ सुरेंद्र सिंह नेगी का गांव है ना, वो वही वाला। पूर्व मंत्री उत्तराखंड। अच्छा, वैसे यहाँ खेती अच्छा करते हैं, डंगसोली में भी खेती अच्छी हो रही है। कहाँ होती है? नहीं होती है। बचपन में ऐसे खेतों में मैंने बैट बॉल बहुत खेला था, सुन्ना सिमार इधर की तरफ को, और वो सामने नौगांव खाल है, और वो नीचे पांथर, और उधर आप देख सकते हैं यहाँ पर पणखेत ब्लॉक, हमारा एकेश्वर ब्लॉक वहीं पर ही है। और ये सामने जो गांव दिखाई दे रहा है आपको बमोली, और ये है मेरी नाना जी का गांव मथाणा। तो सब गांव भी यहाँ पर आसपास ही हैं, अपने ही हैं। और अच्छा लगा कि इस बार मुझे अपने ही विकासखंड में काम करने का मौका मिला। अगर एक ठोकर अगर गलत लग गई ना, तो सीधा लुढ़कते 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 आदमी जाएगा वो नीचे। तो इसलिए आराम आराम से चलते हैं। क्यों नरेश भाई, डंगसुली गांव में जहां हम जा रहे हैं आज, वहां पर के एक दाजी थे, टीचर थे, चंद्र प्रकाश पांथरी जी। बहुत अच्छे आदमी थे। सुनने में आया है कि वो ख़त्म हो गए हैं अभी 15 दिन पहले। वो दाजी अगर ज़िंदा होते तो उनसे मिलते, क्योंकि मैंने भी तकरीबन 7 साल से उनको नहीं देखा था। उनकी एक वीडियो है मेरे पास, बहुत पुरानी, बहुत ही अच्छी। खैर, क्या करें। और ये हो गया है डंगसोली गांव की सीमा शुरू। ये सामने घर दिखने लग गए नज़दीक ही। लोगों ने भी यहाँ की खेती छोड़ दी है वैसे, कुछ कुछ शायद साल में एक ही फसल करते हैं यहाँ के लोग। नरेश भाई, आराम आराम से चलो यार, आप बहुत तेज जा रहे हो पता। और अब ये रैलिंग हो गई शुरू। वैसे गांव के रास्ते तो अच्छे बना रखे हैं लोगों ने, नहीं? रास्ता खूब बना छो आप लोग, काम अच्छो हो आप गांव में। ये देखो शानदार रास्ता बन रहा है इस गांव का। तो यहाँ पर हो रहा है हमारा काम, दीप्ति जी स्वयं सेवक डंगसोली से, और हमारे नरेश भाई थोड़ा सा कुछ काम करते हुए, और दीप्ति जी के घर वालों ने पिलाई हमको चाय। धन्यवाद दीप्ति जी आपका बहुत बहुत। तो यहाँ पर हो रहा है अब खाने की तैयारी हमारी, टनाटन खाना। और धन्यवाद तुम्हार खाना को आज, बहुत बहुत धन्यवाद, खानों खिलाया। ठीक बॉडी, ठीक है दीप्ति जी, चलते हैं फिर, काम करो, अच्छा काम करो। तो मैंने और हमारे साथ नरेश भाई ने कर लिया है, मैंने और नरेश भाई ने यहीं खाना खा लिया है। दीप्ति जी ने बड़ा ही शानदार खाना बना रखा था, भात दाल उनकी माताजी ने। और नरेश भाई और अब मैं निकल रहे हैं धरासू के लिए, क्योंकि धरासू से पैदल आना पड़ता है यहाँ, जैसे कि आपने देख ही लिया था। तो चलिए धरासू चलते हैं अब। रात को शायद मैं धरासू में रुकूँगा, या बड़े जाऊँगा, या कहीं भी रुकूँगा, पता चल ही जाएगा आपको। फाइनली ऊपर धरासू की धार में पहुँचने वाले हैं। वो देखो कितना
ऊपर आ गए हम। क्यों नरेश भाई? क्या बोला? क्या बोले हैं? बाकी बहुत अच्छा गांव है, और जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही दिया, इस गांव में एक आदमी से मिलने की बहुत लालसा थी। वो थे हमारे पांथरी जी, दास जी, उनका नाम चंद्र प्रकाश पांथरी है ना। क्या करें, तो चलिए साथियों, अब धरासू पहुंच चुके हैं, और इस ब्लॉग को छोटा सा ही रखता हूं। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, नए गांव में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।